उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा है। सबसे अधिक वर्षा जो जगत सिंहपुर के पारादीप स्टेशन में 0.8 मिलीमीटर दर्ज की गई। अगर बात करें लोएस्ट मिनिमम तापमान की, तो मिनिमम तापमान फुलवानी में 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उसके अलावा हिल स्टेशन में लोएस्ट जो मिनिमम टेम्परेचर गया है 0 डिग्री में 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर का 22.8 डिग्री सेल्सियस और कटक का 21 डिग्री सेल्सियस मिनिमम तापमान दर्ज किया गया है। उसके अलावा दारिंगबाड़ी में मिनिमम टेम्परेचर 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगर हम बात करें 24 आवर चेंज की, तो 24 घंटे में झारसुगुड़ा में सबसे अधिक पारा जो नीचे गिरा है 2.8 डिग्री सेल्सियस मिनिमम तापमान नीचे गिरा है कल के मुकाबले। फिर पाली की मंडी में 2.2 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरा है, सुंदरगढ़ में 1.5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। वहीं भुवनेश्वर में 0.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है और कटक में कोई भी बदलाव नहीं देखा गया है। अगर हम बात सामान्य से जो मिनिमम तापमान का बदलाव, अनुगुल में सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरा है तापमान, संबलपुर में 4.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, सुंदरगढ़ में 4.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, भुवनेश्वर में 3.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है सामान्य से, कटक से 2.3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर चल रहा है मिनिमम तापमान। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है। देवबंद यानी आज पूरी गंजम गजपति रायगढ़ कोरापुर मलकानगिरी इन डिस्ट्रिक्ट में जो हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसी प्रकार 13 तारीख को कोरापुर मलकानगिरी इन डिस्ट्रिक्ट में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसे डे 3 से डे 7 तक अगले 7 दिन तक ड्राई वेदर रहने की संभावना है। अगर हम बात करें टेम्परेचर फोरकास्ट की, तो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में अगले 3 दिन तक ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकेगा। उसके बाद जो तापमान है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरने की संभावना है मिनिमम तापमान में।